Joined us earlier. Meanwhile, in some more news that we are tracking this hour, the police have arrested Naresh Meena from Samravata village. Naresh Meena is an independent candidate from the Deoli Unyara constituency by polls in Tonk district after he assaulted SDM Amit Chaudhary at a polling booth. Meanwhile, there are also reports that we are getting that his supporters have set fire on the highway outside the village Samravata, and the police has reached to disperse the crowds. Okay, meanwhile, Ashok Gehlot, former Chief Minister of Rajasthan, has reacted to this incident. Let's quickly listen in. The COVID आ चुके थे, तो इसकी चेहरे खड़े हुए हैं. ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है. बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है. इस नौबत क्यों आई, जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए. शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे. इकबाल ही खत्म हो गया. आप तो जो घटना घटित हुई है कल, वो तो मामूली घटना नहीं थी. एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? Razaullah Khan is joining us for more details on this story. Razaullah, Ashok Gehlot also reacting now to this incident. It's become a big political issue in Rajasthan. तरीके से कल पूरे प्रकरण को लेकर आगजनी देखने को मिली थी, तोड़फोड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद आज भारी संख्या में जो पुलिस जाता है वो नरेश मीना को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा था. नरेश मीना को गिरफ्तार करने के बाद अब हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं. अलग अलग इलाकों में जो हाईवे जाम है वो कर दिया गया है. बड़ी संख्या के अंदर जब पुलिस जाप्ता है वो तैनात है. जब पुलिस जाप्ता एक जगह हाईवे खोलवा रहा है तो दूसरी जगह से जाम जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं. आंसू गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं. ग्राउंड जीरो पर मैं और मेरी पूरी टीम यहां पर मौजूद है और लगातार मामले को लेकर जो अपडेट है वो बनाई हुई नजर आ रही है. फिलहाल कहा जा सकता है कि स्थिति जो है अभी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में एसटीएफ फोर्सेज की तैनाती है, अलग अलग इलाकों में जो विशेष जाप्ता है वो तैनात किया गया है, कभी अलीगढ़, कभी उनियारा के पास, कभी कहीं पर, तो जाम बार बार अलग अलग जगह पर लगाया जा रहा है, जहां पर टीयर गैस के जो गोले हैं वो प्रशासन की तरफ से दागे जा रहे हैं. लोगों से समझाइश की जा रही है कि आप इस तरीके से जो है कानून को हाथ में मत लीजिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोगों की तरफ से की जाएगी. जी जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग. हमारे सहयोगी जो टोंक में है उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है, दर्शकों को दिखा देते हैं. समरावता में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार जो नरेश मीणा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकायदा इलाके को पूरी तरीके से जो छावनी में है वो तब्दील कर दिया गया है. चाहे एसटीएफ की बात की जाए, क्यूआरटी की बात की जाए, आरएसी की बात की जाए, या फिर पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं. बाकायदा खुद जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल वो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं. आरएसी की जो पूरी बटालियन है वो यहाँ पर मौजूद है. कल देर रात को जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद अब सुबह जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई को पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया, तकरीबन 5000 के करीब जो जाप्ता है वो अलग अलग इलाकों से समरावता गांव में बुलाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं जो जो टोंक के टाइगर किलाते जो एसपी हैं विकास सांगवान उनके नेतृत्व के अंदर पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया. फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो नरेश मीणा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है ये तो वक्त ही बताएगा. मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज टॉप. देवली टोंक उनियारा हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से यहां पर जो जाम है वो लगा दिया गया है. बाकायदा आप देख सकते हैं जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हों या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर एसटीएफ फोर्सेस हो, वो तमाम फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं और जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहां पर दागे जा रहे हैं. लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से घरों से बाहर नहीं निकले, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले. देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में एसटीएफ फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और मेरे पीछे जो आप ये गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं ये गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं. फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में जो तब्दील है वो यहाँ पर कर दिया गया है. आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं. फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था उसके बाद लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज टोंक. All right, stay with us. In fact, a dense layer of smoke.